हर हर गंगे हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दिखाएंगे ताज़ा हाल आपको हर की पौड़ी हरिद्वार के 31 अगस्त के दिन, साथ ही आपको हर की पौड़ी के विभिन्न घाटों के भी दर्शन कराएंगे और हरिद्वार यात्रा और मौसम से जुड़ी सभी जानकारी आज की वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। सो दोस्तों इस टाइम शिव सेतु पर इस टाइम हम हैं और आप देखते हैं सामने पहाड़ी पर माँ मनसा देवी के ताज दर्शन आप कर सकते हैं 31 अगस्त के दिन। और शिव सेतु ब्रिज जो है आज हमें काफ़ी कम श्रद्धालु यहाँ पर नज़र आ रहे हैं हमें। सो आ चुके हैं इधर नाई घाट पर और नाई घाट के ताज़ा दृश्य आप देख रहे हैं 31 अगस्त के दिन। काफ़ी कम संख्या में श्रद्धालु जो है नज़र आ रहे हैं यहाँ पर नाई घाट हर की पौड़ी पर। रक्षाबंधन का त्यौहार दोस्तों दो दिन होने के कारण 30 और 31 तारीख को जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिस वजह से देख सकते हैं आप श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नज़र आ रही है यहाँ पर। कहें काफ़ी कम जल आज हमें दिखाई दे रहा है गंगा जी में। सो आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर श्री गंगा मंदिर के मुख्य द्वार पर। इसी द्वार से आप ब्रह्मपुर घाट चले जाते हैं। तो 31 अगस्त के ताज़ा दृश्य आप देख रहे हैं, काफ़ी कम संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो है नज़र आ रहे हैं। मार्केट की साइड भी अगर देखें हम तो। सो आ चुके हैं इधर दोस्तों संजय पुल पर और ताज़ा दृश्य आप देख रहे हैं हर की पौड़ी हरिद्वार के 31 अगस्त के दिन। तो यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रही है नाई घाट के मुकाबले। सामने आप देख सकते हैं घंटाघर घाट पर भी श्रद्धालु जो है ज़्यादा नज़र आ रहे हैं हमें। और सामने आप जो है ब्रह्मकुंड घाट के ताज दर्शन आप कर सकते हैं। यहीं पर जो है माँ गंगा की आरती होती है और यहाँ पर अस्थि प्रवाह घाट पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो है नज़र आ रहे हैं हमें। और सामने श्री शंकराचार्य मठ के ताज दर्शन आप कर सकते हैं। और जल की बात करें दोस्तों तो आप देखते हैं जल आज जो है काफ़ी कम नज़र आ रहा है हमें गंगा जल। हरिद्वार के मौसम की दोस्तों बात करें तो आप देखते हैं काफ़ी तेज़ धूप आज हरिद्वार में खिली हुई है 31 अगस्त के दिन। तो अगर आप हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अभी जो है चार धाम की यात्रा ना करें क्योंकि अभी जो है बरसात का मौसम चल रहा है। तो जिस वजह से आप चार धाम की यात्रा अभी ना करें, अगले महीने से दोस्तों जो है आप चार धाम की यात्रा कर सकते हैं। सो आ चुके हैं इधर दूसरी साइड संजय पुल के और ताज़ा दृश्य आप देख रहे हैं नाई घाट पर काफ़ी कम संख्या में श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं। तो आ चुके हैं दोस्तों इधर संजय पुल से नीचे और ताज़ा दृश्य आप देख रहे हैं सामने ब्रह्मकुंड घाट के और महर्षि वाल्मीकि मंदिर के भी ताज दर्शन आप कर सकते हैं। शंकराचार्य मठ के भी ताज दर्शन आप कर सकते हैं। 31 अगस्त के ताज़ा दृश्य आप देख रहे हैं ब्रह्मकुंड घाट के। सामने यहीं पर जो है माँ गंगा की आरती होती है और इधर घंटाघर घाट के भी ताज दृश्य आप देख सकते हैं। तो काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो है नज़र आ रहे हैं हमें रक्षाबंधन का त्यौहार होने के बाद भी। भारत में जो है रक्षाबंधन दो दिन मनाई जा रही है 30 और 31 तारीख में। सो आ चुके हैं इधर मालवीय घाट पर और मालवीय घाट से ताज़ा दृश्य आप देख रहे हैं श्री गंगा मंदिर के ताज दर्शन आप कर सकते हैं। और सामने महिला घाट के ताज दर्शन आप कर सकते हैं और इधर ब्रह्मपुर घाट के भी ताज दर्शन आप कर सकते हैं। ताज़ा दृश्य आप देख रहे हैं दोस्तों माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए सभी श्रद्धालु। तो सामने आप देख सकते हैं घंटाघर और 10:10 का समय हो रहा है। तो ताज़ा दृश्य आप देख रहे हैं दोस्तों चारों तरफ के काफ़ी कम संख्या में दोस्तों आज श्रद्धालु जो है नज़र आ रहे हैं हमें रक्षाबंधन की वजह से। मालवीय घाट पर अगर श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो दोस्तों इधर आ चुके हैं मालवीय घाट के पुल पर और ताज़ा दृश्य आप देख रहे हैं इधर मालवीय घाट के काफ़ी कम संख्या में श्रद्धालु जो है नज़र आ रहे हैं यहाँ पर भी। और गंगा जल की निर्मल जलधारा को बहता हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं।
काफी तेज बहाव यहाँ पर जो है गंगा जी का हमें नजर आ रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं गंगा जी में तैराकी करते हुए युवक को आप देख सकते हैं। सो आ चुके हैं इधर मालवीय घाट के दूसरी साइड और ताजा दृश्य आप देख रहे हैं इधर। यहाँ पर भी जो है श्रद्धालुओं की संख्या में आज जो है कमी नजर आ रही दोस्तों। सो आ चुका है दोस्तों इधर मुख्य गंगा नदी की तरफ और ताजा दृश्य आप देख रहे हैं भगवान शिव की 108 फीट वाली मूर्ति के और गंगा नदी के बीचों बीच भी आप देख सकते हैं माँ गंगा की मूर्ति को। सामने आप देख सकते हैं भीमगोड़ा बैराज और गंगा जल के निर्मल जलधारा को बहता हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं। काफ़ी कम संख्या में श्रद्धालु जो है नज़र आ रहे हैं हमें यहाँ पर भी। और जल की बात करें तो दोस्तों जल आप देख सकते हैं कम से कम 3 फीट जल है जो है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है अभी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको हर की पौड़ी हरिद्वार के ताज़ा हाल आपको दिखाएं 31 अगस्त के दिन, साथ ही आपको हर की पौड़ी के विभिन्न घाटों के भी दर्शन कराएं और हरिद्वार यात्रा और मौसम से जुड़ी सभी जानकारी आज की वीडियो में दी है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हरिद्वार से डेली ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक अगली नई वीडियो में। हर हर गंगे नमामि गंगे।